इकोसिस्टम के सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड चेन। मैं डॉक्टर शेर मोहम्मद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से। इकोसिस्टम के जो पहले टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर को हमने एबायोटिक और बायोटिक में डिवाइड किया था, और लास्ट टॉपिक था हमारा ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको केवल ग्रीन प्लांट्स अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऊर्जा का एकमात्र जो यूनिवर्सल स्रोत है या सोर्स है वो केवल सूर्य है। सूर्य के अलावा और कोई ऊर्जा का सोर्स है वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हरे प्लांट या ग्रासेस, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, वो अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से स्टोर करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में आती है, और प्लांट्स के अंदर आकर वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। और ग्रीन प्लांट से जो हर्बीवोर्स है, जैसा मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा है, जैसे गोट ने उसको खाया, बकरी ने खाया उसको, और बकरी को आज भी खा सकता है। तो यहाँ आपके सामने तीन जो सर्किल बनकर आपके सामने आ रहे हैं, ग्रासेस का, गोट का और मेन का, तो ये एक चेन आपके सामने बनी है। इस चेन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है, एक ट्रॉफिकल लेवल से दूसरे ट्रॉफिकल लेवल में जा रही है, जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो स्ट्रक्चर बनकर आपके सामने आ रही है, इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो पहले वाला है वो अपने से पहले वाले को खा रहा है और दूसरे वाले के द्वारा खाया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको लिखा, ईटिंग एंड बींग ईटन ऑलवेज फ्रॉम ग्रीन प्लांट से ये स्टार्ट होते हैं, खाना और खाया जाना। और ये जो श्रृंखला बनकर हमारे सामने आ रही है, जो चेन बनकर हमारे सामने आ रही है, इसी चेन को हम लोग खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से जानती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम लोग कहें, एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ग्रीन प्लांट्स के पास में जो एनर्जी थी वो हर्बीवोर्स के पास में जा रही है, हर्बीवोर्स से वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास में जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर से वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में जा रही है, और सेकेंडरी कंज्यूमर से वो टर्शियरी कंज्यूमर में जा रही है। और एक बार एनर्जी यूज होने के पश्चात उसको दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, ये पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। एनर्जी का जो वे है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमेशा वन वे होता है, दोबारा से हम उसको यूज है वो नहीं कर पाते हैं। तो एक जो एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है, इसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। दूसरा और सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ग्रीन प्लांट लिखा, ग्रीन प्लांट को जैसे माउस ने खा लिया, माउस को मान लीजिए जैसे सांप ने खा लिया, सांप को जैसे उल्लू ने खा लिया, तो ये भी एक चेन बनकर हमारे सामने आती है, इसी को भी हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। प्रकृति में बहुत सारी चेन है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिस प्रकार की अवस्था है उसी के आधार पर फूड चेन है वो काम करती है। हमारी प्रकृति में, हमारी नेचर में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया था, एक छोटे से छोटा जो बैक्टीरिया होता है उसका भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसा कि मैंने बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको डिकम्पोजर के रूप में बताया था। अगर हमारी धरती पर बैक्टीरिया नहीं होगा, सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे, तो हमारे पृथ्वी पर गंदगी के ढेर लग जाएंगे, इसलिए उनका होना मस्ट है, उनका होना जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, जो फूड चेन है वो हमारी प्रकृति में कितने प्रकार की हो सकती है, हमारी प्रकृति में वो तीन प्रकार की फूड चेन है वो काम करती है। पहली का नाम हम देते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरे का नाम देते हैं डिट्रिटस फूड चेन, और तीसरे का नाम देते हैं हम ऑक्सिलरी फूड चेन। सर्व माने जो फूड चेन हमारे यहाँ पर चलती है वो, जैसा कि मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को बताया, ग्रेजिंग फूड चेन होती है, और ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। जैसा कि हमने कहा कि सोर्स है वो केवल एनर्जी सूर्य से आती है और ग्रीन प्लांट में आकर स्टोर होती है। और हम सभी लोग, जो प्राणी हैं, जो आदमी है, जो एनिमल्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जिसका एग्जांपल एक मैंने आपको ग्रासेस, गोट और मेन का दिया है, दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है ग्रीन प्लांट्स, माउस, स्नेक और हॉक का दिया है। एक पानी का एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे पानी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंकटोन्स के नाम से हम उनको जानते हैं, उनको जूप्लैंकटोन्स खा लेते हैं, जूप्लैंकटोन्स को छोटे फिशेस खा लेती है और छोटे फिशेस को बड़ी फिशेस खा जाती है, ये भी एक चेन चलती है। इस
उसको भी हम फूड चेन के नाम से जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, सर्वमान्य जो हमारे प्रकृति में चलती है ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि हरे पौधों से स्टार्ट होती है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। दूसरी चेन का एग्जांपल अगर हम लोग लेने का प्रयास करें, जिसको हम कहते हैं डिट्रिटस फूड चेन। डिट्रिटस फूड चेन का मतलब ये है कि ये डेड मटीरियल से शुरू होती है। जैसा कि कोई प्लांट है वो ख़त्म हो गया, डेड हो गया, जमीन के ऊपर गिर गया, इसी तरह से डेड बॉडी है वो जमीन के ऊपर गिर जाती है। तो जो डेड प्लांट है वो भी स्टिल है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके अंदर भी एनर्जी पाई जाती है। और उसी का एक एग्जांपल लेने का हम प्रयास करते हैं कि डेड वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, उसके ऊपर टर्माइट्स लग सकती है, दीमक लग सकती है। दीमक उसी से अपना फूड है वो प्राप्त करके, अपना भोजन है वो, अपना पेट है वो भरती है। टर्माइट्स को चींटियाँ खा सकती है, चींटियों को पक्षी खा सकते हैं, और पक्षी को बाज खा सकता है। देखिए, एक डेड मटेरियल से जो चेन प्रारंभ हुई है, इसको हम डेट्रिटस फूड चेन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट डेड हो गया, उसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता है। स्टिल ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन के नीचे बहुत सारे डेड मटेरियल्स पड़े रहते हैं, खाद के रूप में पड़े रहते हैं, दूसरे अन्य रूप में पड़े रहते हैं, और उन डेड मटेरियल्स को अर्थवॉर्म्स यानी केंचुए खाते रहते हैं जमीन के नीचे, और जमीन को पोली करते रहते हैं, उपजाऊ करते रहते हैं। और इन अर्थवॉर्म्स को मेंढक खा सकता है, मेंढक को सांप खाता है, और सांप को हॉक उल्लू खाता है। निश्चित रूप से ये भी एक चेन चल रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी डेड मटीरियल से स्टार्ट हुई चेन है। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं, जो डेड लकड़ी से स्टार्ट हो रही है या दूसरे डेड मटेरियल से स्टार्ट हो रहे हैं, और दोनों के दोनों जल्द देखे आगे जाकर कहाँ तक पहुँच पाते हैं, इसको हम डिट्रिटस फूड चेन के नाम से जानते हैं। तो पहली चेन थी हमारी ग्रेजिंग, जो हरे पौधों से स्टार्ट हो रही थी, जो लिविंग से स्टार्ट हो रही थी, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिया है, जिसको डिट्रिटस फूड चेन का नाम दिया गया है, जो कि डेड मटीरियल से प्रारंभ हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सिलरी फूड चेन या पैरासिटिक फूड चेन का, मतलब जो परजीवी खाद्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। जैसा कि बहुत सिंपल जैसा एग्जांपल हम लेते हैं, आदमी के अंदर मलेरिया पैरासाइट का मच्छर है, वो खून चूसता रहता है, इसका एग्जांपल है। दूसरा, ह्यूमन बीइंग के अंदर, बालों के अंदर जो जुएं होती है, टिक्स होती है, वो आदमी का खून चूसती रहती है, वो भी ऑक्सिलरी या पैरासिटिक फूड चेन के रूप में आती है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखा है, जैसे हिरन की आंत के अंदर इंटरनल वॉर्म्स उसका भोजन चूसती रहती है, उसके बॉडी के बाहर एक्सटर्नल वॉर्म्स ये भी उसका भोजन चूसती रहती है। ये मलेरिया और पैरासाइट वाला जो एग्जांपल है, ये दोनों के दोनों ऑक्सिलरी पैरासिटिक फूड चेन में आती है। और एक छोटा सा एग्जांपल हम वो ले सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं पर्टिकुलरली गांव के अंदर हम देखते हैं गाय या बेफिलो भैंस है, वो कुएं के पास में जो पानी का सोर्स होता है वहाँ पानी पीने के लिए जाती है, और वहाँ पर बैठ जाती है, और वहाँ पर मिट्टी में छोटे छोटे जो जोंक्स होते हैं वो उन जानवरों के चिपक जाते हैं, गाय और बेफिलोज के, और उनसे चिपक कर वो अपना फूड यानी ब्लड है वो उनसे वो फीड करती है, खींचती रहती है। ये भी पैरासिटिक फूड चेन का एग्जाम्पल है, ऑक्सिलरी फूड चेन का एग्जाम्पल है। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत से जानवर, बहुत से पक्षियाँ, उनके ऊपर छोटे छोटे जानवर या इंसेक्ट्स लगे रहते हैं, जिनसे वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऑक्सिलरी या पैरासिटिक फूड चेन के अंदर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, निश्चित रूप से जो तीन प्रकार की चेन की बात हम लोगों ने की है, ये प्रकृति में लगातार चलती रहती है। हम किसी एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये डोमिनेंट है या ये डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। और तभी मैंने कहा कि प्रत्येक जीव की अपनी एक महत्वता होती है, तभी हमारा ये जो इकोसिस्टम है वो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम के रूप में काम कर सकता है। किसी के भी अब्सेंस होने पर हमारे इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, फूड चेन का मतलब है एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, पहला खाना दूसरे के द्वारा खाया जाना, इसी प्रवृत्ति को हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। और ये फूड चेन प्रकृति में आइसोलेट होकर काम नहीं करती है, एक जाल के रूप में काम करती है। एक जाल का मतलब ये होता है कि हर लेवल पर उसके अल्टरनेट है वो मौजूद होते हैं। इसको हम अगले टॉपिक में लेंगे, जिसको फूड वेब के नाम से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।